हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर लूप की इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके पहले हमने ऑलरेडी लूप का कॉन्सेप्ट देख लिया है और इसके पहले हमने व्हाइल लूप को भी देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस सेशन में आप इसमें जाके देख सकते हैं। नाउ आज जो है हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की, तो ऑब्वियसली आपको पता ही कि लूप का काम होता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को या स्टेटमेंट को अगर आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लूप का यूज करते हैं। पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं, एक व्हाइल होता है, एक फॉर लूप होता है। व्हाइल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, फॉर लूप की। नाउ फॉर लूप इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स रिपीटेडली टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो ये जब हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि हमने पहले जब किसी भी लैंग्वेज, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी लैंग्वेज हम वर्कआउट करते हैं तो वहां पे फॉर का सिंटेक्स कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहां पे हम पहले काउंटर लेके उसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, देन अपडेट करते हैं, देन जो भी स्टेटमेंट रिपीट करवाना है उसको इसके ब्रैकेट के अंदर लेके हम वर्कआउट करते हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं पाइथन की, तो पाइथन में हम फॉर लूप जो बात कर रहे हैं, इसको बेहतर ये होगा कि हम ये बोले कि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर इन लूप। एक्चुअली फॉर में थोड़ा, पाइथन में एक्चुअली क्या होता है कि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, तो यहां पे हम इसको बोलेंगे कि इट्स बेटर टू से फॉर इन लूप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। और यहां पे देखिए नीचे मैंने रेंज फंक्शन भी लगाया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि हम फॉर इन जो लूप होता है इसको जब भी इस्तेमाल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेंज फंक्शन को भी इसके साथ यूज करते हैं। तो मैं अभी आपको फॉर इन लूप भी बताऊंगा, साथ में आपको रेंज फंक्शन भी बताऊंगा, दोनों को कंबाइन करके फिर हम फाइनल एग्जांपल देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे फॉर लूप कैसे यूज करते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर इन लूप क्या होता है या फॉर लूप पाइथन में क्यों यूज होता है, वो जरा सा देख लेते हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, फॉर लूप की, तो फॉर लूप इन पाइथन वी कैन से, यू कैन से इज यूज टू इटरेट ओवर ए सिक्वेंस। यू कैन सी ओवर हियर की रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट तो है ही, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन फॉर लूप का यहां पे जो यूज होता है ना, वो बेसिकली होता है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं उनमें इंडिविजुअल वैल्यू को अगर आपको इटरेट करवाना है, मींस इटरेट ओवर ए सीक्वेंस, वेदर इट इज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, कुछ भी हो। देखिए यहां पे लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में भी हो सकता है, चूंकि मैंने अभी तक इसकी बात नहीं की तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए क्योंकि हम इसको आने वाले सेशन में देखेंगे, लेकिन मैं विदाउट लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के ही आपको मैं बताऊंगा फॉर लूप के बारे में आज जो है। बट जो मोटिव होता है फॉर लूप का इन पाइथन, बेसिकली इट इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए स्ट्रिंग या सेट ऑफ वैल्यूज में इटरेशन अगर आपको करवाना है, या आप बोल सकते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में जो है रिपीटेशन या कोई लूपिंग करनी है, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, फॉर लूप को यूज करते हैं। बात आ रही है किसकी, कि हम फॉर लूप को का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो पाइथन में क्या होता है। तो मैं इसका सिंटैक्स भी आपको बता देता हूं कि जब भी आप इसके सिंटैक्स की बात करते हैं इन केस ऑफ व्हाट फॉर लूप, तो फॉर में हमेशा लेते हैं हम फॉर, देन वी टेक अ प्लेस होल्डर, तो बेटर टू राइट इन दिस वे, प्लेस होल्डर, ओके, दिस इज प्लेस होल्डर, देन वी टेक दिस इन ऑपरेटर, एंड देन आफ्टर वी टेक व्हाट यू कैन से वेरिएबल, ठीक है, और यू कैन से व्हाट एनी सीक्वेंस, और राइट, एंड देन आफ्टर you take statements, right? So this is how you can say, you can see over here कि ये जो तरीका होता है ना, इसके through हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, for को use करते हैं किसमें, आपके python language में। Now अभी चूंकि मैं for loop की बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं किसी भी sequence को use नहीं करूंगा, तो for loop के साथ एक और चीज हमेशा associated होती है जिसको हम लोग बोलते हैं range function। तो बेहतर होगा कि मैं इससे पहले कि आपको फॉर लूप का कोई एग्जाम्पल दूं, मैं आपको जरा सा जो है हिंट दे दूं या समझा दूं कि रेंज ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी यहां पे किसकी, कि जो आपका रेंज फंक्शन है, व्हाई वी यूज दैट। तो सबसे पहले मैं रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर हम फॉर का एग्जाम्पल देखेंगे। एक्चुअली क्या है, रेंज फंक्शन के थ्रू हम अपने प्रोग्राम में सिक्वेंस ऑफ नंबर, एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में नंबर की सीरीज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन से वॉट कि वी कैन जनरेट ए सिक्वेंस ऑफ नंबर यूजिंग रेंज फंक्शन, राइट। तो मैं पहले इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, रेंज फंक्शन को पहले हम देखते हैं ये कैसे वर्कआउट करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर लूप पे आते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी आपको रेंज ऑपरेटर को यूज करना है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो भी जरा मैं आपको बता देता हूं, कि जब भी आप रेंज ऑपरेटर को यूज करते हैं, वी ऑलवेज टेक रेंज इन ब्रैकेट, सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्ट वैल्यू अगर चाहिए तो, देन उसके बाद में हम करते हैं लास्ट वैल्यू, और लास्ट वैल्यू के बाद में हम यहां पे करते हैं क्या, स्टेप, मींस कितने से जंप करना है। आप चाहो तो आप डायरेक्ट, ये तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं इसके अंदर जो हम फॉलो करते हैं, बट मैं इनको आप डिटेल में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं पाइथन शेल ओपन कर लेता हूं,
तो ये मैंने क्या कर लिया, यहां पे पाइथन शेल ओपन कर लिया है। अब मैं यहां पे सिंपली लिखता हूं प्रिंट, अगर मैं यहां पे करता हूं रेंज, और मैंने सपोज यहां पे वैल्यू डाल दी 15, राइट। एंड इसके बाद में मैं इस फाइल को क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। लेट्स इसको सेव कर देते हैं जल्दी से, मैं कोई भी डिफॉल्ट इसके नाम से ही सेव कर देता हूं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा देन यू विल सी कि व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी चेक, प्रिंट रेंज 15। ओके, मैं एक बार फिर से रन करता हूं देन सी। ओके, रन मॉड्यूल में जाते हैं। नाउ यू सी इट इज शोइंग दिस फंक्शन 0 से स्टार्ट होकर 15 तक, राइट। बट अभी यहां पे कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं तो रेंज डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहां पे एक सीक्वेंस यूज करता हूं लिस्ट, इट इज वेरी मच सिमिलर टू यू कैन से एरे इन अदर लैंग्वेजेस। तो मैं यहां पे एक लिस्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं या लिस्ट यूज कर रहा हूं, जस्ट लाइक ए वेरिएबल हम लिस्ट को यूज करते हैं पाइथन में। आने वाले सेशन में डिटेल में बताऊंगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रेंज फंक्शन, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। मैं इसको सेव करके फिर से एक बार रन करता हूं। नाउ यू सी कि ये क्या दिखा रहा है, 0 आई से लेकर 14 तक का वैल्यू को ये डिस्प्ले कर रहा है, राइट। तो ये तो हुआ कि विदाउट मैंने यहां पे कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक वैल्यू दे दी एंड वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट इसने 0 से शुरू कर दिया। अगर मैं इसको करता हूं 3 से स्टार्ट करो देन यू विल सी, अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूं देन आप देखेंगे कि ये क्या बता रहे हैं यहां पे, 3 से इसने स्टार्ट किया अप टू 14, मतलब जो वैल्यू आपने दी है -1 तक की रेंज तक ये वैल्यू चलता है। अब अगर मैं इसको 3 के डिफरेंस पे देना चाहता हूं, मतलब मैंने स्टेप डाल दिया 3 का, सो दैट व्हाट विल हैपन, अगर आप इसको रन करके देखोगे, नाउ यू विल सी कि ये 3 देन आफ्टर 3 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 एंड 10 के बाद 14 आ रहा है लास्ट वैल्यू, सो दैट ये नेक्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज व्हाट रेंज ऑपरेटर। एक बार और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने दिया स्टार्ट करो 0 से अप टू चलो 20 तक, एंड हर एक बार डिफरेंस जो होना चाहिए वो 4 का होना चाहिए, राइट। सो अब मैंने ये कर दिया सेव, नाउ इसको आप रन करके देखो देन सी व्हाट हैपेंस। सो अब देखो 0 4 8 12 एंड 16 को ये दिखा रहा है, राइट। सो फ्रेंड यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि किस तरह से जो है हम हमारे पाइथन में रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे रेंज फंक्शन की। अब मैं बात कर रहा था किसकी, मेनली टॉपिक की, कि हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की। तो फॉर एज यू नो कि इटरेट ओवर ए सीक्वेंस और यू कैन से रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। तो चलो मैं अब आपको फॉर के एक दो एग्जाम्पल्स देता हूं। तो से फॉर एग्जाम्पल मुझे हेलो को डिस्प्ले करना है 10 टाइम्स, सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल। सो व्हाट विल आई डू, आई विल स्टार्ट फॉर, मैंने लिया यहां पे एक काउंटर प्लेस होल्डर जिसका नाम मैंने आई ले लिया, इट इज वेरी मच सिमिलर टू काउंटर वेरिएबल, इट इज ए नॉर्मल वेरिएबल। मैंने बोला आई इन, मुझे 10 टाइम डिस्प्ले करना है, सो दैट मैं यहां पे एक फंक्शन यूज करूंगा रेंज, क्योंकि मेरे पास यही एक सोर्स है जो बताएगा कि लूप कितनी बार चलाना है। सो आई हैव टू रन दिस लूप फॉर 10 टाइम, सो दैट व्हाट कैन आई कैन डू, मैं यहां पे ले देता हूं रेंज 10, राइट। एंड इसके बाद में मैं सॉरी यहां पे एक मैंने कोलन लगाना भूल गया, तो अब मैंने यहां पे जाके बोला प्रिंट और मैंने इसके अंदर जाके लिख दिया हेलो, राइट। ये मेरा हो गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद लेट रन इट। तो अब देखते हैं रन करने से क्या बोलता है। नाउ यू सी फ्रेंड्स कि ये हेलो को क्या दिखा रहा है, 10 टाइम्स दिखा रहा है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट दिस इज हाउ वी कैन वर्क विथ फॉर लूप इन पाइथन। तो ये एक बेसिक मैंने बताया। सो आई मैंने लेना है, ये काउंटर है जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रेंज में एक एक करके ट्रैवर्स करेगा और उतने टाइम ये स्टेटमेंट हमारा क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक तरीका हुआ। नाउ से कि मुझे अब आपको क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो रेंज जो मैंने लिया 10 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो आई कैन राइट सिंपली प्रिंट, मैंने क्या कर दिया यहां पे आई को ले लिया, मेरा काम खत्म। अब मैं इसको सेव कर देता हूं, सेव करने के बाद रन इट, यू विल सी नाउ 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। सो यहां पर जो है आई के थ्रू मैं इस रेंज की वैल्यूज को क्या करवा रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज फॉर लूप इन यू कैन से पाइथन प्रोग्रामिंग। अगला एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मुझे इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना है 0 से 50 के बीच में, आई वांट टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो व्हाट कैन आई डू, आप स्टार्ट तो 0 से कर सकते हो, तो स्टार्ट लेने की जरूरत है, ले लीजिए। तो चलो मैं ले लेता हूं स्टार्ट वैल्यू ताकि आप कंफ्यूज हो। तो पहला जो 0 मैंने लिया दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरा एंड पॉइंट मुझे 50 तक रन करना है, सो दैट आई कैन टेक 50 देन कॉमा। अब मैंने यहां पे डिफरेंस दिया 2 का, सो दैट ये इवन नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा। सो 0 50 और हर एक बार 0 2 4 एंड सो ऑन। तो मैंने प्रिंट आई ले लिया, नाउ सेव इट। नाउ अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद नाउ रन इट, नाउ सी व्हाट हैपेंस। सो इट इज शोइंग यू 0 2 4 8 अप टू ये कहां तक जा रहा है आपका 38, और आप चाहें तो नीचे भी जाके देख सकते हैं इसको। तो ये पूरा 48 तक की वैल्यूज को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, राइट। ये यू कैन सी हियर।
तो 48 तक का वैल्यू आपके स्क्रीन में दिखा रहा होगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज फॉर लूप इन यू नो पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये एक और एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। अब एक और एग्जाम्पल दे देता हूं कि जैसे, तो अब मैं ये तो हुआ नॉर्मल, तो मैं आने वाले सेशन में अब आपको एक एक करके और एग्जाम्पल्स दूंगा, प्राइम नंबर कैसे बनाते हैं, एडिशन ऑफ 10 नंबर, तो इस तरह से 3-4 प्रोग्राम बताऊंगा फॉर लूप के थ्रू, तो उससे आपको और पिक्चर क्लियर हो गई। ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिक सिंटैक्स कैसे हम फॉर को यूज करते हैं पाइथन में। नाउ अब मैंने ये सिंपल रेंज फंक्शन लिया था, अब मैं क्या करता हूं, एक लिस्ट रेडी करता हूं। से फॉर एग्जाम्पल, मैं लिस्ट को, आप अभी अगर नहीं जानते हो तो आप सिर्फ समझ लो कि जैसे हम एरे यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, तो मैं यहां पे एक वेरिएबल ले रहा हूं जस्ट लाइक एन एरे, और इसमें मैं क्या करूंगा मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करूंगा, तो यहां पर उसको हम बोलते हैं लिस्ट। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, लिस्ट का नाम दिया नंबर, इसके अंदर मैंने जाके डाला 3, 4, 6, 76, 34, 23, 12, राइट। सपोज ये मैंने वैल्यूज इसके अंदर डाल दी, अब मुझे ये सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। सो व्हाट कैन आई डू, अगर मैं इंडिविजुअल एक एक वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहता हूं, सो मैं सीधे लिख सकता हूं फॉर, मैंने एक प्लेस होल्डर लिया आई, मैंने बोला इन, और मैंने बोला किस में, लिस्ट में इसको हमको ट्रैवर्स करना है, देखना है, और उसके बाद में मैंने यहां पे सॉरी कोलन प्लेस कर दीजिए, एंड इसके बाद में मैंने यहां पे बोला प्रिंट, और मैंने यहां पे डाल दिया आई, एंड इसके बाद में आप इसको क्या कर दो, सेव कर दो। सेव करने के बाद नाउ यू सी रन इट, यू विल सी कि ये सारे जो उस लिस्ट के नंबर्स हैं उन पे मूव कर रहा है, उस पूरे सीक्वेंस को ट्रैवर्स कर रहा है, मींस ट्रैवर्सर ऑफ सीक्वेंस हो रहा है, सॉरी लिस्ट हो रहा है। तो ये एक एक करके ये सारी वैल्यूज को क्या कर रहा है, यहां पे डिस्प्ले कर रहा है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आप चाहो तो डायरेक्ट अगर प्रिंट नंबर लिखोगे तो भी दिखाएगा। जैसे अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये तो फॉर लूप के थ्रू हुआ। अगर मैं यहां पे लिखता प्रिंट और मैं सपोज दे देता यहां पे नंबर, राइट, सॉरी नंबर कर देते हैं इसको जल्दी से, ये नंबर कर दिया मैंने। अब आप इसको क्या कर दो, सेव कर दो, एंड सेव करने के बाद नाउ रन इट, देन सी व्हाट हैपेंस। तो ये क्या कर रहा है, पूरी लिस्ट को ऐसे डिस्प्ले कर रहा है ना, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं कि इंडिविजुअली वर्टिकली नंबर को डिस्प्ले करना, दैट्स वाई मैंने यहां पे क्या कर दिया, सीधे सीधे यहां पे ले लिया क्या, ये फॉर लूप, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं एक एक वैल्यूज को वर्टिकली डिस्प्ले कर रहा हूं। और इसके प्रीवियस जैसे मैंने बताया रेंज के थ्रू भी आप मीन्स रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट करवा सकते हैं, राइट। सो ये तो कुछ बात हुई बेसिक्स ऑफ फॉर लूप की इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आने वाले सेशन में मैं 2-3 एग्जांपल के थ्रू और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन में। तो फ्रेंड आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, बने रहिए मेरे साथ में, और नेक्स्ट सेशन भी जरूर देखिए, प्रीवियस सेशन भी जरूर देखिए पाइथन का, अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, और आप चाहें तो कमेंट करके मुझे आस्क कर सकते हैं आपका जो भी क्वेरी हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय एंड टेक केयर।